तो हापुड़ से खबर है जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि संभावली थाना क्षेत्र के फरीदपुर में एक युवक की शादी प्रस्तावित है। इस बीच दुल्हन के एक तरफा आशिक ने दूल्हे के घर के बाहर धमकी भरे पोस्टर लगाए हैं, जिसमें शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर भी दी है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हापुड़ से खबर, आपको बता दें कि फरीदपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के मंगेतर को धमकी मिली है। युवती के एक तरफा आशिक ने यह धमकी दी है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां पे धमकी मिली है, वो खत भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थाना संभावली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं जय सिंह, उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र लगाया गया है, जिसमें उनके यहाँ जो हाल फिलहाल में उनके बेटे की शादी होने वाली है उसको लेकर के उनको धमकी दी गई, उनको, उनके बेटे और परिवार को। इस पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। साथ ही साथ इसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव फरीदपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, 16 तारीख को एक बारात गांव फरीदपुर से बुलंदशहर के लिए जानी है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नोटिस की अगर बात करें या मैं एक पोस्टर की बात करूँ, जिस तरीके से दूल्हा पक्ष के घर पर उसको चपसा दिया है और साफ तौर पर उस पर लिखा हुआ है कि अगर बारात आती है करिश्मा के घर तो बारात को शमशान बना दिया जाएगा, और साफ तौर पर शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस किसी भाई को बारात में आना हो साथ ही गोली खाने की तैयारी करके भी आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पोस्टर चस्पा है और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ, वहीं कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसने थाने पहुंचकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, हापुड़ कप्तान ने मामले को संज्ञान लेते हुए टीमें बना दी हैं और मामले की जांच में पुलिस जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्द इस मामले का खुलासा हापुड़ पुलिस कर पाती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़।